गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस साइड मुक्ता सेठ आज बेटा हम ए आई जुलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर आपका हुआ था सत्ताईस ग्यारह दो हजार बाईस पे दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं और जो बुकलेट कोड है हमारा वो है डी कोड ठीक है बेटा चलिए तो आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं इस पेपर में जो हमारे पास चैप्टर्स आ रहे थे जुलॉजी के वो है टिश्यूज एंड बायोमोलिक्यूल्स ठीक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड बायो तो चलिए बेटा पेपर सॉल्व करते हैं ज़ुलॉजी का तो जुलॉजी का पेपर देख लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन मैच ऑफ द कॉलम है ठीक है क्वेश्चन नंबर 151 हमें बोल रहा है कि मैच द कॉलम वन एंड टू और करेक्ट ऑप्शन आपको

तो वो काइटीन के लिए हो गया एस्टर बॉन्ड आपको लिपिड में मिलते हैं और लिपिड ऑयल्स रखते हैं ठीक है तो एस्टर बॉन्ड जो है आपको जिंजली ऑयल में मिलेगा बचा आपका इस इन तो चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं ए का आपका फोर्थ है बी का आपका थर्ड है एंड सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो एक ही ऑप्शन इसमें जो है सही है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है चलिए बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी टू की बात करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी टू विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज एप्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन विद अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ना ये एनसीआर का स्टेटमेंट है कि कौन सा प्रोटीन जो है आपका बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बॉडी में वह प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एंजाइम्स बनाते हैं और ये सेंटेंस आपको एन में मिल जाएगा जहाँ उसने प्रोटीन के स्ट्रक्चर समझाएँ और ये टर्चरी स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखता है तो इसमें इम्पोर्टेंट देने की बात इंपॉर्टेंस देने की बात ये है बेटा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूटली नेसेसरी बोला गया है उसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में और वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है ये बोला गया है ये तीन कंडीशन है एब्सोल्यूटली नेसेसरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नहीं आता सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं तो ये भी नहीं आता ठीक है तो बचा आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री एंड फोर दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टनरी प्रोटीन टर्शरी और क्वार्टनरी प्रोटीन में जो अगर आप एन देखेंगे तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में एब्सोल्युटली नेसेसरी शब्द टर्शरी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि टर्शरी प्रोटीन जो है बॉडी में एंजाइम्स बनाते हैं और बिना एंजाइम्स के आपको पता है मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है यानी जीने के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण है प्रोटीन के ठीक है और वो एक पॉलीपेप्टाइड और मेनी पॉलीपेप्टाइड दोनों से बन सकते हैं ठीक है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की कंडीशन दी थी तो भी आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बन सकता है अगर आप एनसीआर देखें तो इस तरीके से वुल एन बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसने बना रखा है विद इन इन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल एंड स्ट्रक्चर है विदल पॉलीपेप्टेन लाइक बॉल

तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा 153 के बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 154 हमें क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है ठीक है स्टेटमेंट वन ग्लाइकोजन राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड बिल्कुल सही बात है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में राइट right एंड जो होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एंड ही होता है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट टू सेरेलोस डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आई टू यानी वो आई टेस्ट नहीं देता क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है बिल्कुल सही बात है आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि स्टार्च आई टेस्ट देता है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स पाए जाते हैं जबकि सेलुलोज में ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स हेलिसिस नहीं मिलते इसलिए वो आई टेस्ट नहीं दे पाएगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हमसे यही पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर करेक्ट तो वन फिफ्टी फोर का आंसर हुआ वन राइट right. आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा आगे चलते हैं बेटा अब तक भी प्योरली एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपको बस एनसीआरटीन के लिए ढंग से पढ़नी थी क्वेश्चन नंबर वन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर आपको पता करना है फॉर द गिवेन ऑप्शन तो पहला है डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड्स आहार ये प्रोटीन आवश्यक अमीनो अम्ल के स्रोत होते हैं बिल्कुल सही बात है जो भी आप प्रोटीन खाते हैं उससे ही आपको असेंशियल अमीनो एसिड मिल सकते हैं क्योंकि असेंशियल अमीनो एसिड बाय डाइट ही प्राप्त होते हैं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट सही है ग्लूट फोर की बात कर रहा है फिर बी ग्लूट फोर ट्रांसपोर्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स जी नहीं ऑल न्यूट्रिएंट नहीं सिर्फ ग्लूकोज ओनली ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है वो भी जब इंसुलिन आता है बॉडी में इट इज एन इंसुलिन डिपेंडेंट कैरियर प्रोटीन ऑफ ग्लूकोज ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन पे सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसफर कर सकता है ग्लूट फोर इसी नाम पड़ा ग्लूट ऑलराइट right, तो बी बिल्कुल गलत है रूबिस्को थर्ड ऑप्शन रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑफ एनिमल वर्ल्ड जी नहीं एनिमल वर्ल्ड नहीं ये फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है और ये प्लांट वर्ल्ड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हाँ ये बात सही है कि पूरे विश्व का भी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अगर एनिमल ना लिख के सिर्फ वर्ल्ड बोला होता तो ये सेंटेंस सही होता लेकिन एनिमल बोल दिया है तो इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा ये विश्व का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है नो no डाउट लेकिन ये प्लांट्स में मिलता है एनिमल में नहीं मिलता तो बी और सी दोनों गलत हुए थर्ड फोर्थ देखिए बेटा इनुलट्रोपोलिमन जी नहीं होमोपोलिमर इ होमोपोलिमर ऑफ of fructose ठीक है तो सिर्फ ए सही है बाकी बी सी डी गलत है और आपसे ऊपर पूछा है कि करेक्ट आंसर ढूंढिए लेकिन ऑप्शन में दिए हैं सब कुछ इनकरेक्ट कि कौन कौन इनकरेक्ट है तो फर्स्ट सही है बाकी तीन गलत हैं तो वो है बी सी डी डी आर इनकरेक्ट और ये है आपका ऑप्शन नंबर टू ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन था बी सी डी आर इनकरेक्ट चलिए 155 के बाद चलते हैं बेटा 156 में क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 156 हमें कह रहा है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास आपके एनसीईआरटी में टेबल मिली होगी आपको जिसमें वाटर प्रोटीन और अन्य बायो मॉलिक्यूलर आयंस का परसेंटेज दे रखा है ठीक है बेटा जिसमें सत्तर से नब्बे प्रतिशत तो हमारी बॉडी में पानी होता है और सेल में भी दस से पंद्रह हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है ठीक है दो से तीन प्रतिशत हमारी बॉडी में लिपिड्स होते हैं और जो फाइव टू सेवन प्रतिशत है वो होता है न्यूक्लिक एसिड तो फाइव टू सेवन हमारा करेक्ट आंसर हुआ न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में यानी सेल के अंदर लगभग पांच से सात प्रतिशत ही होता है ठीक है सीधा एनसीआरटी की टेबल से ये क्वेश्चन आया है एनसीआरटी की टेबल आपको पढ़नी ही पढ़नी है बायोमोलिक्यूल में अक्सर टेबल से क्वेश्चन आते हैं ठीक है बेटा चलिए वन भी प्योरली एनसीआरटी का निकला वन की बात करते हैं 157 फिफ्टी सेवन कॉन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मैटाबोलाइट कॉन्के आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम टेबल ठीक है बेटा टेबल से क्वेश्चन आ रहा है और इसका आंसर होगा लेकिन कॉन्वलिन ए आप बायोमोलिक्यूल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल में टेबल बनी हुई है सेकेंडरी मैटाबोलाइट की उस टेबल में के ए लेक्टिन के अंदर मेंशन है ये सेकेंडरी मैटाबोलाइट है और बाकी इसके ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे इसके आंसर लेक्टिन ही होता है कॉन्केविल ए तो वन फिफ्टी सेवन का आंसर क्लियर है टू द पॉइंट आंसर नेक्स्ट वन फिफ्टी एट 158 बोल रहा है सही कथन चुनना है चूज द करेक्ट ऑप्शन सॉरी चूज द ऑप्शन विद ऑल इन करेक्ट स्टेटमेंट जी चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 158 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 जो है वो चूज द ऑप्शन बोल रहा है विद ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सिर्फ गलत स्टेटमेंट को चयनित करना है वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए ठीक है यानी द्वितीयक द्वितीयक उपापचय प्रद पदार्थ के लिए ठीक है तो जो आपका क्वेश्चन है वो अगेन टेबल से आ रहा है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है उनकी टेबल के ऊपर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में सेंटेंस लिखे हुए थे एनसीईआरटी में उस पे ये क्वेश्चन है ठीक है बेटा तो चूज द ऑप्शन विद ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्वेश्चन है आपका तो पहला स्टेटमेंट देखिए इन करेक्ट ढूंढना है हमें दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल फंगल एंड माइक्रोबियल एनिमल में कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी द्वितीयक उपापचय पदार्थ नहीं होता है तो पहला सेंटेंस ही गलत है यानी ये हमारे आंसर का पार्ट होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ठीक है फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर बिल्कुल सही बात है सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं ठीक है तो ये हमारे ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सही सेंटेंस है फिर सी स्टेटमेंट बोल रहा है नन ऑफ देम हैज एन इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस नन ऑफ देम हैज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि फ्यू ऑफ देम हैज़ एन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये एन सी के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है साफ नेक्स्ट है ऑफ देम के कारण ही गलत होगा याद रखिएगा ठीक देन असेंशियल ऑयल न्यूक्लोटाइड गम कोडीन एक्सेट्रा सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखिए असेंशियल ऑयल सेकेंडरी मेटाबोलाइट है गम सेकेंडरी मेटाबोलाइट है कोडीन सिंथेटिक प्रोडक्ट है ओपीएट का बट ठीक है सेकेंडरी मैटाबोलाइट है सही बनेगा लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड दे रखा है ना बेटा बीच में ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड माइक्रो मॉलिक्यूल है और ये न्यूक्लियोटाइड माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे एटीपी भी बनाते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड भी बनाते हैं यानी इनके फंक्शन नोन है अगर किसी चीज का किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन नोन है तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट होगा ना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी डी ऑप्शन भी गलत है और वो क्यों गलत है क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड दे रखा है तो हमारे पास कितने गलत स्टेटमेंट आ गए ए गलत सी गलत एंड डी गलत तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है ए सी डी आर रॉन्ग स्टेटमेंट होप यू गेट इट और राइट बेटा चलिए नेक्स्ट वन फिफ्टी नाइन 159 हमें बोल रहा है द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पेज नंबर 145 पे आपको सारे मॉलिक्यूल्स के यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उसी में से ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है, है बेटा एडिनीन का ये प्यूरिन है ठीक है प्यूरिन के अंदर दो रिंग होती है और 1379 पे नाइट्रोजन होता है तो एज यू कैन सी यहाँ पर नाइट्रोजन है 1379 पोजीशन पे और इधर फोर्थ पोजीशन पे अमीनो भी लगा हुआ है ठीक है ना? तो बेटा ऐसा है कि ये एडिनिन हुआ ना कि एडिनोसिन एडिनोसिन नहीं होगा क्योंकि एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड होता है और एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड जब होगा तब उसमें शुगर भी लग जाएगी इसमें कोई शुगर नहीं लगेगी प्योरली नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है एडिनाइलिक एसिड में फॉस्फेट भी होता है आपको स्ट्रक्चर में कोई फॉस्फेट नहीं दिख रहा यूरासिल में सिंगल रिंग होती है ठीक है तो अगर आप एलिमिनेशन भी करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आता थर्ड ऑलराइट तो अगेन प्योरली एनसीआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है 159 का आंसर हुआ एडिनिन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 160 हमें बोल रहा है द एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप एंजाइम के बारे में पूछ रहा है जो रिमूव करता है ग्रुप को और फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिस यानी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हाइड्रोलिस में पानी का इस्तेमाल होता है अदर देन हाइड्रोलिस मतलब पानी का इस्तेमाल नहीं होगा और वो छोड़ रहा है पीछे क्या डबल बॉन्ड तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है ये लाइसेज एंजाइम को बिलोंग करती है तो क्लासेस ऑफ एंजाइम का क्वेश्चन है क्लासेज ऑफ एंजाइम में दो ही लाइसेज हैं आपके कोर्स में एक तो लाइसेज खुद और एक हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होते हैं वो पानी के प्रेजेंस में काम करते हैं और वो डबल बॉन्ड छोड़ें ऐसा कोई ज़रूरी बिल्कुल नहीं है जबकि लाइसिस डबल बॉन्ड अक्सर नहीं छोड़ते ही छोड़ते हैं ठीक है डबल बॉन्ड छोड़ना एलिमिनेशन करना यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करना और बिना पानी के काम करना ये लाइसेज एंजाइम की प्रवृत्ति है तो वन का आंसर हुआ बेटा

फॉस्फोलिपिड है डी तो डी का आंसर होना चाहिए वन तो अगर आप वन में देखें तो कहीं भी डी दिख रहा है तो जी हाँ थ्री पर दिख रहा है तो फर्स्ट का आंसर है डी तो हालांकि फर्स्ट ऑप्शन को मैच करते ही हमारा आंसर आ चुका है फिर भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकेंड है आर्किटोनिक एसिड आर्किटोनिक एसिड इज अ ट्वेंटी कार्बन एटम फैटी एसिड ठीक है तो देख लीजिए सेकेंड का हो रहा है ए और राइट यूरासिल यूरासल हमारा नाइट्रोजनस बेस है तो ना, नाइट्रोजनस बेस है तो थर्ड का हुआ बी एसिड एसिड जिसके पीछे लग जाए वो न्यूक्लियोटाइड होता है तो फोर्थ का हुआ सी ठीक है तो एज यू कैन सी तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा आंसर है इसका मतलब अगर आपको सिर्फ लेसिथिन भी आता तो आपको आंसर मिल चुका होता और राइट वन के बाद है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का क्या करना है चयन अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित मिथेन होते हैं अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन बिल्कुल सही बात है NCRT का स्टेटमेंट है ठीक है देन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से कई अमीनो एसिड नहीं होते वेरिएबल होता है आर ग्रुप आर ग्रुप अगर बदलता जाए तो अमीनो एसिड बदलता जाता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड बदलता जाए तो ये बी सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है देखिए नीचे ऑप्शंस में भी करेक्ट ही पूछे गए हैं तो बी हमारा आंसर होने वाला नहीं है तो जिन भी बी आ रहा है वो रेस से बाहर है राइट right? यानी आंसर तो हमारा आ चुका है फिर भी सी ऑप्शन जरूर पढ़िए वेन आर ग्रुप इज अल ग्रुप जब आर जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है तो अमीनो एसिड एलिन होता है बिल्कुल सही बात है एक अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मिथेन है जिसमें तीन हाइड्रोजन हटाने हैं आपको एक में लगाना है सी ओ ओ एच एक में लगाना है आर एक में लगाना है अमीन ग्रुप यानी एन एच टू और तीसरे हाइड्रोजन को आपको मेंटेन करना होता है आर जो होता है अगर ये आर रिप्लेस कर दिया जाए बस सी एच थ्री दैट इज मिथाइल तो ये अमीनो एसिड हो जाएगा एलिन और ये भी आपको पेज नंबर वन फोर्टी फाइव पर आसानी से एनसीईआरटी में ऊपर ही प्रॉप पे मिल जाएगा आपके एन में सीरीन आलेन और ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर मेंशन है जो आपको आने चाहिए तो अगेन 162 बहुत ही इजी था अगेन आपको एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन प्राप्त हुआ और आंसर हुआ हमारा फोर क्योंकि हमें पूछना था हमें पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन और राइट तो ए एन सी आर करेक्ट A N C R correct. B is totally incorrect. चलें beta. next question. Question number 163. Question number 163. Select the option which represents only inorganic compound. मतलब आपको bio molecules नहीं बताने, आपको तो inorganic compound बताने. तो ये top तो chemistry अगर आपको थोड़ी सी भी general chemistry आती तो भी हो जाएगा. तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट सोडियम क्लोराइड फर्स्ट ऑप्शन में सब इनऑर्गेनिक है तो आंसर तो वन ही होने वाला है फिर भी सेकेंड देखिए क्यों नहीं होगा सेकेंड में ये सी सिक्स यानी ग्लूकोज ट्राईक्लोरोसिटिक एसिड ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है दीज आर ऑर्गेनिक ठीक है देन थर्ड ऑप्शन में देखिए बेटा दिस सी फाइव एच टेन ओ फाइव ऑर्गेनिक सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इन द फोर्थ ऑप्शन ऑर्गेनिक ठीक है तो ये सब ऑर्गेनिक है फर्स्ट ऑप्शन में ही इनआरगेनिक ऑप्शन हैं आपके पास तो वन सिक्सटी थ्री का आंसर हुआ वन बहुत ही ईजी आपको एक जनरल केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए था टेंथ क्लास केमिस्ट्री की हाइड्रोकार्बन ही यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बायो मोलिक्यूल्स होते हैं और आपसे पूछा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड चलिए वन सिक्सटी थ्री आसानी से हो गया है। आगे चलते हैं 164 पर क्वेश्चन नंबर 164 रीड द फॉलोइंग सेंटेंस या स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बताने ठीक है स्टेटमेंट नंबर वन बोल रहा है बेटा एश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा भस्म में यानी राख में कैल्शियम मैग्नीशियम पाई जाती है हाँ बिल्कुल सही बात है एश एनालिस होता ही इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट देखिए वो बोल रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट फॉस्फेट ये सब आपको एसिड सॉलेबल फ्रैक्शन में मिलेंगे बिल्कुल ये आपके बायोमोलिक्यूल के सेकेंड पेज पे लिखा हुआ है कि जितने भी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एसिड सोलिबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल ठीक है ना आयंस बहुत छोटे होते हैं आयंस एसिड सोलेबल होते हैं और इसलिए वो एसिड सोलेबल फ्रैक्शन में ही पाए जाएंगे तो द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन का तो केस ही नहीं पूछा यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं वन सिक्सटी फाइव पे क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फाइव All the carbon compounds that we get from living tissue can be called as. ये भी आपके बायो के सेकेंड पेज में लिखा हुआ है कि सिर्फ लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही है कार्बन कंपाउंड होना हालांकि हाइड्रोकार्बन होना बट वही है कार्बन कंपाउंड होना तो जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो आपके लिविंग टिश्यू में क्या कहलाते हैं तो आंसर है बायो मोलिक्यूल कहलाते हैं तो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ बायो बायोमोलिक्यूल जो आपके चैप्टर के सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगी ठीक है चलिए 165 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 166 क्वेश्चन नंबर 166 अगेन बायो अगेन की टेबल का क्वेश्चन है 166 पे ये जो टेबल है ये अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन कर रही है और ये आपको करेक्ट पूछा है पूछ रही है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है तो देखिए बेटा, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पर 46.6 है और ह्यूमन बॉडी में 65 है अगर आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 143 में टेबल को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है करेक्ट मैच ही आपसे पूछा है क्यों सही है भाई बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन ही है हमारे पास ऑक्सीजन धरती माता से ज़्यादा पाया जाता है ठीक है और इसी में इसमें पूरे में अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन uh, ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है ओर्स के रूप में जैसे कि फेरिक ऑक्साइड वगैरह बाउंडेड स्टेट में मिलती है तो वो कम होती है और जबकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और इवन पानी में भी ऑक्सीजन होती है इन सब में हमें ऑक्सीजन मिलेगी ठीक है तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें सिक्सटी फाइव परसेंट ऑक्सीजन आपको मिलती है जो कि धरती से बहुत ज़्यादा है ठीक है बेटा तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे तो बिल्कुल सही है फिर भी आप सेकेंड ऑप्शन देखिए कि वो क्यों गलत है तो सोडियम के लिए दे रखा है टू धरती में धरती की क्रस्ट में लेकिन ह्यूमन की बॉडी में दे रखा है टू अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाते तो आयन हमें हम टू परसेंट तक नहीं हो सकते क्यों क्योंकि दूसरी टेबल में दे रखा है कि लिपिड होते हैं टू टू थ्री परसेंट इन द ह्यूमन बॉडी और द ह्यूमन सेल और द सेल ठीक है ना किसी भी सेल के अंदर टू टू थ्री परसेंट ही लिपिड पाए जाते हैं और आयन होते हैं नेगलिजिबल मात्रा में या वन परसेंट के अराउंड जबकि सारे आयन वन परसेंट अराउंड होते हैं या नेग्लेजिबल अमाउंट में होते हैं तो सोडियम अकेला दो परसेंट कैसे हो सकता है तो लॉजिकली भी अगर आप देखते हैं ना तो ये गलत होता ठीक है

मैच ऑफ द कॉलम हो जाता अगर आपको इतना भी याद था कि आयंस आपकी बॉडी में नेग्लिजिबल है वो भी या वन प्रतिशत तक ही मिलते हैं वो भी सारे मिलाकर तो सोडियम दो प्रतिशत हो ही नहीं सकता अगर आप इस लॉजिक से भी जाते तो भी सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता सेम फॉर मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी मोर देन टू यानी मोर देन परसेंट दे रखा है ठीक है तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो जीरो पॉइंट वन परसेंट होता है आपकी बॉडी में क्या मैग्नीशियम और अगर अगर आपको डिसेंडिंग सीरीज भी पता होती इस टेबल की तो आपको पता होता कि सिलिका जो है हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में ज़्यादा नहीं पाया जाता आई थिंक सिर्फ डायाटम्स है जो सिलिकेट्स या सिलिकन रखती हैं इसके अलावा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सिलिका नहीं रखता सिलिका रेती या मिट्टी में पाया जाता है जो धरती में ही ज़्यादा मिलती है हमारे अंदर वो एटीन तो हो ही नहीं सकता एक तो बॉडी मिट्टी से ही भर जाएगी हमारे बॉडी में सिलिकन नेग्लिजिबल होता है सिलिकन ठीक है हमारी बॉडी में सिलिकन नेग्लिजिबल होता है सिलिकन से ही सिलिकेट्स बनते हैं यानी सिलिकेट्स यानी सिलिकन ऑक्साइड्स बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में ना सिलिकेट्स है ना सिलिकन है और ये नेग्लिजिबल अमाउंट में ही होते हैं हमारी बॉडीज़ में क्योंकि सिलिकन इज नॉट नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग सिस्टम स्पेशली ह्यूमन बॉडी ठीक है तो वन सिक्सटी सिक्स में अगर आपको टेबल के नंबर्स या परसेंटेज याद नहीं भी थी तो भी इसको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे किसी भी क्वेश्चन को देखो देखकर घबराना नहीं चाहिए पहले लॉजिक देखो कि उस टेबल का अगर आपको थोड़ा जनरल आइडिया भी है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट अबेडेड एलिमेंट आपकी बॉडी का कौन सा है और नेग्लिजिबल एलिमेंट आपकी बॉडी का कौन सा है या आयन के प्रतिशत आपकी बॉडी में कितने हैं और उसी से आपका सिर्फ आई से ये क्वेश्चन वन सिक्सटी सिक्स आपका हो जाता चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सिक्स जो है उससे आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन की बात करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन में हमें बोला गया है कि initiate, to initiate analysis of एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंडेड इन एन एन एसिड लाइक अगर हमें कोई भी एनालिसिस uh, इनिशिएट करना है तो हमें कौन से एसिड की आवश्यकता होगी और ये आपने पढ़ा होगा कि जब आपने एन सी आर टी बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो तो बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एनालिसिस दे रखा है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का तो किसी भी केमिकल कंपाउंड के एनालिसिस के लिए अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमें पानी के अलावा एक दूसरा रेफर फ्लूड चाहिए था पोलर और वो हमने लिया था एसिड आसेट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है बेटा तो वन सिक्सटी सेवन भी अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द है आगे चलते हैं वन सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर 168 हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए कि इनमें से गलत कथन कौन से हैं ठीक है ठेके? पहला स्टेटमेंट देखिए विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही बात है कार्बन हाइड्रोजन जो है धरती के कंपैरिजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाए जाते हैं हम खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने स्ट्रक्चर्स हैं और इतना कार्बन और हाइड्रोजन धरती में नहीं मिलता जितना हम में मिलता है ठीक है तो 168 का वन सही है ठीक है आगे देखिए सेकेंड ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट जितने भी एलिमेंट हैं सबको कंसिडर कर रहा है आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू ये भी बिल्कुल सही है ये आपकी कहाँ से आया क्वेश्चन पता है आपको आपकी बायोमोलिक्यूल की जस्ट स्टार्टिंग पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है ठीक है तो ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर प्रेजेंट इन

सेल के सारे कंपोनेंट बता रखे हैं कि वाटर कितना है तो वाटर हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट होता है लीस्ट अबंडेंट नहीं होता ठीक है वाटर हमारा सेल के अंदर होता है सेवेंटी टू प्रतिशत यानी मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड इन द लिविंग सिस्टम इज वाटर और ये बोल रहा है वॉट इज वाटर इज द लीस्ट अबंडेंट जबकि वो मोस्ट लीस्ट तो नहीं होता मोस्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कम मात्रा में नहीं पाया जाता इसलिए हमें इनकरेक्ट ढूंढना था तो आंसर तो मिल गया है इनकरेक्ट है थर्ड फिर भी फोर्थ को देखिए परसेंट वेट ऑफ कैल्शियम इन अर्थ क्रस्ट इज थ्री पॉइंट सिक्स वैसे तो अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी हमें आंसर मिल गया है लेकिन अगर आप टेबल देखेंगे ह्यूमन क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी की ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट की सॉरी तो ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट की अगर आप रेफरेंस टेबल देखेंगे सेकेंड पेज ऑफ बायोमोलिक्यूल पे तो आपको पता लग जाएगा कि कैल्शियम हमारी बॉडी में इतना हमारी बॉडी में ज्यादा है और अर्थ रेस्ट में क्या है कम ठीक है बेटा तो वन सिक्सटी एट का थ्री ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में और क्वेश्चन नंबर 169 हमें कह रहा है ड्यूरिंग द स्टेट वे सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एनजाइम एक्टिव साइड क्वेश्चन को ध्यान से पड़िए सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एनजाइम एक्टिव साइड अब आपको लगेगा वो एनजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात कर, रह, कर रहा है बट जी नहीं ये पेज नंबर वन फिफ्टी सिक्स की लैंग्वेज है एन सी आर टी की और वहीं से फर्स्ट पैराग्राफ से ये उठाई गई है जिसमें अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट एक्सज सबस्ट्रेट ओवर हेयर ठीक है कॉल्ड वाई स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड जो वाई स्ट्रक्चर बनेगा ना बेटा वो ट्रांजेंड स्टेट है ये लाइन जहाँ से ली गई है ये एन सी आर टी के पेज नंबर 156 पे है जहाँ पर वो बोल रहा है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जब जुटते हैं तो वो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं सबस्ट्रेट का जिसको कहते हैं ट्रांजियन स्ट्रक्चर या ट्रांजेंड स्टेट तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर थर्ड लगा के आएंगे जबकि इसका आंसर थर्ड नहीं है इसका आंसर है फर्स्ट तो उम्मीद करती हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं 170 देखिए रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन फिर से हमें इनकरेक्ट सेंटेंस ही पता करना है देखिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम कैन बी लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जी नहीं बिल्कुल भी नहीं एंजाइम्स या तो प्रोटीन होते हैं अगर आता सिर्फ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन तो ये सेंटेंस सही होता या तो इन्ज़ाइम प्रोटीन होते हैं या फिर क्या होते हैं आर जिन्हें राइबोजाइम कहा जाता है तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होते इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है तो ये तो आंसर वैसे ही मिल गया है फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है फिर भी सेकंड देखिए सेकंड क्यों सही है इंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बिल्कुल सही बात है इन्जाइम्स जो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं वो उन्हीं से रिएक्ट करते हैं जो उनके एक्टिव साइड पे फिट हो सकता है यानी उसका सबस्ट्रेट है ठीक है ना रिएक्ट करते हैं मतलब उनको बाइंड करते हैं एंजाइम रिएक्ट नहीं करते एंजाइम्स आर बट एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड तभी होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक है जैसा एंजाइम है उसी के अनुरूप उसका सबस्ट्रेट होना चाहिए ताकि उन दोनों की इंटरफिटिंग हो सके तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक देन थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एंजाइम्स आर डी आर डी नेचरेटेड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर अफेक्टेड दे आर नॉट अफेक्टेड इवन ऐट द टेम्परेचर एट एटी टू नाइनटी डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही बात है और ये सेंटेंस आपकी एन सी आर टी ने दिया है फॉर आर की बैक्टीरिया आर की बैक्टीरियाज जो होते हैं जैसे कि थर्मो आसडोफिल्स वगैरह हैं ठीक है थेके? ये सब जो होते हैं एटी नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त कर सकते हैं और ये एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज़म है एंड इनके एंजाइम्स ही बस हीट रेजिस्टेंट होते हैं बाकी किसी के भी हीट रेजिस्टेंट एंजाइम नहीं होते अगर उनको आप ज़रूरत से ज़्यादा तापमान देंगे तो उनकी कोयलिंग खुल जाएगी जिसको आप कहते हैं डी तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है

और क्यूबॉइडल इफ द कॉलिमनर एपिथीलिया है और उनमें सीलिया आ रहे हैं ठीक है चीके? उनमें सीलिया आ रहे हैं तो उनके फ्री सरफेस पे तो कौन सी एपिथीलिया हुई तो भैया ऐसा है कि अगर सीलिया आ रहे हैं तो फिर सीलेटेड एपीथीलिया हुई इसमें सोचना भी क्या था ठीक है तो सीलिया अगर हैं तो एपिथीलिया कहलाएगी लाएगी सीलेटेड ठीक है कंपाउंड हो ही नहीं सकती क्योंकि उसने लेयर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया स्क्वामस में कभी सीलिया आते नहीं ट्रांजिशनल एपिथीलिया में भी सीलिया नहीं है ठीक है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल फ्री के नंबर वन सेवेंटी वन के बाद है वन सेवेंटी क्वेश्चन नंबर 172 बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन पहचानिए अगेन टीशू का क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर वन हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बिल्कुल सही बात है हाइड्रा सेलेंट्रेटा फाइला को बिलोंग करता है सेलेंट्रेट मल्टी सेलर ऑर्गैनिज्म है और किसी भी मल्टी सेलर ऑर्गैनिज्म में सेल डिफ्रेंसिएशन जरूर होता है मतलब अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं और मल्टी सेलर है तो नंबर ऑफ सेल भी क्या होंगे ज़्यादा होंगे तो वो बोल रहा है हाइड्राइज अप ऑफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड बिल्कुल सही बात है सेल डिफ्रेंसीशन होते ही कोई एक ही प्रकार का तो ना एक सेल बनेगा एक प्रकार के अनेक सेल बनेंगे तो ये तो बिल्कुल सही है दैट हाइड्रा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रखता है और हर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो हजारों की मात्रा में हो सकते हैं ठीक है ठीके?

और ये आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं बेटा ये पेज नंबर हंड्रेड एन से आ रहे हैं ठीक है साफ लिखा है एनसीआरटी ने ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम है हम कॉडिटा फाइला को बिलोंग करते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एनिमल है तो नो no डाउट हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल होंगे लेकिन वो अलग अलग प्रकार के भी सेल होंगे यानी हमारे अंदर भी हाई डिग्री ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन होता है और अगर सेल अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन बदल देता है तो वो सब सिंगल फंक्शन थोड़ा ना करेंगे अलग अलग फंक्शन करेंगे तो ये एन का जो स्टेटमेंट है ना उसमें सिंगल नहीं लिखा उसमें वेरियस लिखा है तो बस अगर यहाँ पर वेरियस लिखा होता तो ये स्टेटमेंट टू सही होता पर वेरियस नहीं लिखा इसलिए स्टेटमेंट नंबर टू गलत है फर्स्ट तो सही है लेकिन टू गलत है तो देखिए ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट जी नहीं स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इन करेक्ट नहीं फर्स्ट सही है ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट जी नहीं, नहीं है यानी ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा आंसर हुआ ठीक है अच्छा क्वेश्चन था बस आपको ढंग से डीप रीडिंग करनी थी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए जल्दी 172 के बाद चलते हैं 173 पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट organ system contributes to the survival of the body as a whole 173 में अगेन टिश्यू का क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का वो कह रहा है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो उसके सर्वाइवल में योगदान देता है बिल्कुल सही बात है अगर हमारा कोई भी ऑर्गन सिस्टम फेल होता है जैसे कि एक्सट्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमारी उसी समय डेथ हो जाएगी हमारी बॉडी इंटरडिपेंडेंसी या इंटर सेलर इंट्रैक्शनस पर चलती है और ऑर्गन सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे बॉडी में एज अ होल तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है और नीचे देखिए हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं है ये सेंटेंस सही है ठीक ने, uh, है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू बिल्कुल नहीं है ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ये पेज नंबर हंड्रेड में मिल जाएगा ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ टिश्यू ना कि वन टाइप तो ये गलत है बी गलत है यानी ये हमारे आंसर का पार्ट होगा ठीक है तो ऑप्शन में देखिए बी इधर आ रहा है इधर आ रहा है नीचे के दो ऑप्शन में में फोर्थ में भी आ रहा है यानी थर्ड ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है ठीक है क्योंकि इनकरेक्ट बताना है थर्ड देखिए सेंटेंस द एपिथीलियल टिश्यू डज नॉट फेस अ बॉडी फ्लूइड एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट जी नहीं इट डज फेस द बॉडी फ्लूड साफ़ लिखा है एनसीईआरटी ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाते वक्त कि जो फ्री सरफेस होता है का वो या तो वो इन्वायरमेंट को फेस करता है या फिर वो किसी बॉडी के फ्लूड को फेस करेगा ठीक है तो सी भी गलत है यानी बी और सी दोनों गलत हैं फिर फोर्थ ऑप्शन देखिए स्क्वामज एपीथीलियाज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री बिल्कुल सही बात है हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी डिफ्यूजन करवाना हो तो बेस्ट डिफ्यूजन जैसे कि एलविलाइट ब्लड कैपिलरी इनमें होता है तो उनमें एपिथीलिया ही होती है तो ए सही है एंड बी सही है और हमें सही नहीं गलत चुनने हैं तो बी और सी गलत है तो बी और सी अगर गलत है तो हमारा आंसर हुआ फोर्थ ठीक है बेटा उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा 173 के बाद चलते हैं 174 पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 174 बोल रहा है कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन एनालॉजी सुलझानी है करेक्ट ऑप्शन के साथ वो बोल रहा है टिप ऑफ नोज में कॉन्ड्रोसाइट होते हैं टिप ऑफ नोज इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ठीक है अगर टिप ऑफ नोज में कॉन्ड्रोसाइट होते हैं तो बोन्स में कौन होगा तो लिब ऑफ लिम्बोन्स बोन्स में कौन होता है ऑस्ट्रोसाइट होंगे ऑप्शन देख लीजिए अगर कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट होते हैं तो बोन में ऑस्ट्रोसाइट होते हैं तो 174 का आंसर हुआ वन ठीक है बोन मैरो मैट्रिक्स लेक्यूना ये नहीं होगा क्योंकि उसने सेल कंसिडर किया है ना कि मैट्रिक्स या उसके रहने का स्थान ठीक है तो टिप ऑफ नोज में इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नॉट एन एग्जांपल बहुत ध्यान से पढ़िएगा नॉट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेकिन स्केलेटल मसल इज मसल वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो आंसर हुआ थ्री ओके इजी क्वेश्चन नो अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड 176 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 फिर से एक मैच ऑफ द कॉलम है कॉलम वन और टू मैच करना है तो क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी सिक्स में सिंपल एपिथीलिया किस में पाई जाएगी क्या सिंपल एपिथीलिया को क्या सूट कर रहा है तो कॉलम टू में देखिए सिंपल एपिथीलिया में सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है तो फर्स्ट का एक आंसर होना चाहिए थर्ड एक का थर्ड हमारे पास टू और फोर में मिल रहा है तो बी देखिए क्यों एपिथीलिया एपिथिलिया क्यूबॉइडल एपिथिलिया किस में प्रेजेंट होती है तो क्यों एपिथीलिया एपिथिलिया प्रोक्सीमल कॉन्विट के ट्यूब्यूल और ग्लैंड में पाई जाएगी तो बी का होगा सेकेंड तो बी का सेकेंड अगेन दोनों में मिल रहा है

प्योरली एन टी अगेन वन सिक्स का फोर चलिए बेटा अब तक हमें सब कुछ एनसीआरटी का मिला है और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वन 177 सेवन वन सेवन हमें बोल रहा है कार्डिक मसल के बारे में इन कार्डिक मसल व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट नेबरिंग सेल्स आल्सो ऑल्सोलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जब एक हृदय पेशी कोशिका संकुचित होने का आदेश पाती है तो दूसरी भी उसी के साथ संकुचन के लिए उद्दीपित होती है ऐसा क्यों या किसके कारण तो इसका आंसर है इंटरकैलेटेड। डिस्क आपके एनसीआर में लिखा हुआ है कि कार्डिक एक मैसेज के अंदर इंटरकैलेट्री डिस्क होते हैं और इंटरकैलेट डिस्क में बहुत सारे कम्युनिकेशन जंक्शन यानी गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा है अगर गैप जंक्शन किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं तो रैपिड आयनिक फ्लो होता है तो एक साथ एम्पल्स हर जगह जा सकती है और बहुत तेजी से फैलती है जिससे सबको एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होने का आदेश मिलेगा इसलिए कार्ड मसल फंक्शनल सिंसाइट भी कहलाई है तो अगेन वन का डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट आंसर है वन का आंसर व टू कोई ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है ठीक है क्योंकि बाकी सब न्यूरॉन और न्यूक्लियस से रिलेटेड ऑप्शन है ओके वन सेवन हैं सेवेंटी एट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एंटोक्राइन ग्लैंड प्रोडक्ट ऑफ एंटोक्राइन ग्लैंड आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इन टू दूड बाय द ग्लैंड दे आर कॉल्ड एज हारमोन और राइट जब भी आप एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड कभी भी एंजाइम्स नहीं निकालता ठीक है सलाइवा जैसे फ्लूड नहीं निकालता ठीक है ईयर बैगस भी नहीं निकालता ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हारमोन्स निकालती हैं तो आंसर हुआ फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन वन सेवनटी नाइन वन सेवेंटी नाइन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू ठीक है टिश्यू के हिसाब से हमें फॉलोइंग फीचर पता करने हैं और ऐसी एपिथीलिया कहाँ मिलेगी ये पूछा जा रहा है तो पहला बोल रहा है कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिंगल मतलब सिंपल एपीथीलिया होगी ठीक है टॉल एंड स्लेंडर मतलब कॉलिमनर एपीथिल होगी ठीक है फिर बोल रहा है एट द बेस यानी कंफर्म हो गया है कि वो कॉलिमर एपिथीलिया होगी और फ्री सरफेस है माइक्रोविलाई यानी ब्रश बॉर्डर एपिथीलिया होगी ब्रश बॉर्डर आपीथीलिया चाहिए और वो भी कॉलिबनर तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलिबनर आपी थीलिया कहाँ मिलेगी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में नहीं मिलेगी यहाँ होती है सिंपल स्क्वामस आपी थीलिया ठीक है तो ये नहीं होगी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी मेनली क्यूबॉइडल से बनते हैं और कुछ पार्ट उसका स्क्वामस से बनता है ठीक है और ब्रश बॉर्डर पी सी टी है लेकिन वो क्यूबोइडल है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन ये सही है इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर आपीथीलिया होती है और स्टमक के कुछ पोर्शन में भी ताकि एब्जॉर्प्शन कर सके माइक्रोविलाई का काम है एब्जॉर्प्शन और कॉलिमनर आपीथीलिया में म्यूकोजा कॉलिमनर आपीथीलिया की मिलती है इसीलिए ऑप्शन नंबर थ्री ही आंसर है जबकि ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में कॉलिमनर तो मिलता है लेकिन मिलता है सीलिया तो यहाँ पर कौन सी एपीथीलिया है सीलेटेड ऐपिथीलिया तो ब्रश बॉर्डर हमसे पूछा गया था तो इसलिए आंसर हो गया थ्री और राइट बेटा आसान क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास वन एटी के पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन बताइए करेक्ट ऑप्शन बताइए लेबल स्ट्रक्चर का तो सबसे पहले तो हम लेबल स्ट्रक्चर को पता कर लेते हैं कि कौन सा सेल कौन सा है तो ए बेटा हमारा मैक्रोफेज है ए हमारा मैक्रोफेज है ठीक है Then, जो बी है वो हमारा फाइब्रोब्लास्ट है ठीक है सी हमारे कोलाज़न के फाइबर है और राइट देन डी हमारा मास सेल है ठीक है ये पहले तो लिख के काम खत्म करें, अब बस ऑप्शन देखना है ठीक है ए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए सिक्रिएशन ऑफ फाइबर करते हैं ए क्या था हमारा मैक्रोफेज ये ए है ठीक है ए अगर हमारा मैक्रोफेज है तो क्या वो फाइबर बनाता है जी नहीं वो तो फाइब्रोब्लास्ट बनाता है तो ये हमारा गलत हो गया हमें करेक्ट चुनना था फिर बी बी बोल रहा है कि वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करेगा बी कौन था हमारा फाइब्रोब्लास्ट ये बी के लिए था ये ए के लिए था ठीक तो है तो बी फाइब्रोब्लास्ट है फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाता है ना कि एंटीबॉडी वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं थ्री ऑप्शन देखिए सी के लिए बोल रहा है सी सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स सी कोलाजन के फाइबर हैं तो वो मैट्रिक्स के पार्ट होते हैं मैट्रिक्स थोड़ा ना बनाते हैं दे आर द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स दे आर नॉट मैट्रिक्स दे डू नॉट सिक्रीट मैट्रिक्स दे आर द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स तो सिक्रीशन दे रखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा ठीक है तो आंसर आपके पास आ चुका है डी डी मार्सेल है और वो बोल रहा है कि कि ऑफ़ बिल्कुल सही बात है कि जो है का करता है जो का करता ठीक है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में फटाफट लेबलिंग कंप्लीट करके मैच करना चाहिए ठीक है चलिए अच्छा आंसर क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन द मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोस्ट अबंड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे ज्यादा मिलने वाले उत्तक कौन से होते हैं ठीक है इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है एक जो ये बोल रहा है जस्ट अ सेकेंड एक जो ये बोल रहा है मोस्ट अबंड ठीक है मोस्ट अबंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड तो मोस्ट अबंडेंट से ही आपको वैसे आंसर मिल जाता है मोस्ट अबेंडेंट हमारे होते हैं कौन से कनेक्टिव टिश्यू और वही सबसे ज़्यादा भी पाए जाते हैं तो आंसर सीधा सीधा है आपका कनेक्टिव टिश्यू ठीक है बेटा तो मोस्ट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर वन एटी टू बोल रहा है कि केयरफुली कथनों को पढ़ना है ध्यानपूर्वक पढ़िए चूज द करेक्ट ऑप्शन सही स्टेटमेंट पता लगाने हैं तो स्टेटमेंट नंबर वन अ लॉन्ग बोन ऑफ लेग सर्व्स वेट पेयरिंग फंक्शन बिल्कुल सही बात है बोन का काम ही वेट रिपेयरिंग करना है एंड स्टेटमेंट नंबर टू बोल रहा है बोन सपोर्ट प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को और ऑर्गन को बिल्कुल सही बात है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो सीधा आंसर पे जाएंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है 182 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 182 के बाद है 183 विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोवाइड द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ये कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन में ही एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो सपोर्ट और लिंक करते हैं तो आंसर सीधा हो गया कनेक्टिव टिश्यू नाम ही जब कनेक्टिव है तो कनेक्शन ही काम हुआ ठीक है तो 183 पर टिश्यू सेकंड ऑप्शन काम आपका आंसर है नेक्स्ट है वन एट्टी फोर वन एट्टी फोर बोल रहा है तो में नहीं होती ब्लड वेसल में नहीं होती दोनों में सिंपल स्क्वामस है आंसर है ओनली बी ठीक है तो ओनली बी आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक है तो अगेन एन इजी क्वेश्चन वन एटी फाइव पे चलते क्वेश्चन नंबर वन एटी फाइव क्वेश्चन नंबर 185 बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन तो नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार होता है नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है अनुक्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है तो ये सेंटेंस अगेन एनसीआर का डायरेक्ट सेंटेंस है और न्यूरल टिश्यू का ओपनिंग लाइन है ये तो न्यूरल टिश्यू ही वो टिश्यू है जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी कर कर सकता है तो आंसर अगेन 185 का टू है चलिए बेटा अपना सेक्शन ए तो क्या होता है इससे कंप्लीट होता है अब चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है वन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक् डी एन ए हेलिक्स डबल हेलिक्स आर 500. अगर आपके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड 500 है तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक एक शुगर शुगर, होती है, फॉस्फेट होता है कम से कम एक तो होता ही चाहिए और एक नाइट्रोजनस बेस होता है अगर आपके न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड ही 500 हैं, है इसका मतलब कि आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, वो भी तो कितने हुए 500, ठीक है वॉट विल बी द नंबर ऑफ ए एडिनीन का हमें परसेंटेज बताना है अगर ग्वानिन जी चालीस प्रतिशत है तो ठीक तो है तो अगर जी चालीस प्रतिशत है तो ए की संख्या क्या होगी तो इसमें बेटा ये चारगा फ रूल का क्वेश्चन है चारगा फ रूल आपको पता होगा ठीक है तो चारगा फ रूल में लगाएंगे अगर आप तो आपको आसानी से पता लग जाएगा तो देखिये वॉट विल वि नंबर ऑफ ए जीज फोर्टी परसेंट अगर जी फोर्टी परसेंट है तो 40% किसका होगा 500 बेसिस का ही तो होगा क्योंकि कि टोटल नंबर बेस तो उसने दे ही रखे हैं इनडायरेक्टली दिए हैं पर दे दिए हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड अगर 500 है तो बेस भी 500 हुए तो 500 बेसिस हैं और उसमें से 40% ग्वानिन है तो अगर आप 40 अपॉन 100 into 500 करेंगे तो आपको मिलेगा 200 200 हो गए आपके गुआनिन ठीक है यानी 200 बेस तो अकेले ग्वानिन हो गए अब जितने ग्वानिन होते हैं उतने ही तो क्या होते हैं साइटोसिन होते हैं क्योंकि डबल हेलिक्स की बात की है ठीक है ना तो जितने जी उतने तो सी क्योंकि सी और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो जितने जी उतने सी होते हैं तो जी प्लस सी कितने हो गए हमारे पास जी प्लस सी हो गए हमारे 200 प्लस 200 यानी 400 अब 500 में से अगर 400 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे पाँच सौ में से चार सौ माइनस करें सौ बचे यानी ए और टी बराबर होते हैं यानी ए प्लस टी कितने हो गए फाइव हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड दैट इज हंड्रेड और ए प्लस टी बराबर होते हैं यानी ए हो गया फिफ्टी और टी भी हो गया फिफ्टी तो आंसर है फोर्थ ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन था न्यूक्लियोटाइड आपके पाँच सौ यानी बेस भी आपके पाँच सौ ठीक है बेस पाँच सौ हो गए चालीस प्रतिशत ऑफ पांच सो इज टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड अगर ग्वान है तो उतने ही साइटोसिन हो गए माइनस करिए ए ए प्लस प्लस टी टी सो सो बटा दो करना है आपको दैट इज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन वन एटी सेवन क्वेश्चन इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेसिक डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट किया जा रहा है बाय मैलोनेट या मैलोनिक एसिड ये किसका एग्जाम्पल है तो क्लासिक एग्जाम्पल है बेटा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस जो है उसका सबस्ट्रेट होता है सक्सेनिक एसिड और वो इनिबिटेड हो जाता है बाय मेलोनिक एसिड या मैलोनेट क्योंकि मैलोनिक एसिड रिजेंबल करता है सक्सेनिक एसिड को यानी ये एग्जाम्पल हुआ कॉम्पटेटिव इनिबिशन का एनसीआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस इज इनिबिटेड बाय मैलोनिक एसिड हु इज द कॉम्पटिटर कॉम्पटेटिव इनिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड तो तो 187 का का आंसर हुआ 188 188. पे चलते हैं। 188, in a human body, carbonic anhydrase accelerate करता है reaction को कितनी गुना? तो ये carbonic anhydrase का example आपको बायो के में दे रखा है कि वो सीओ टू प्लस वॉटर को जोड़कर एच टू थ्री बनाता है और प्रकृति में ये रिएक्शन अपने आप भी होती है जिसमें टू हंड्रेड मोलिक्यूल प्रति आवर बनते हैं पर अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ जाए तो लाख बनते हैं प्रति सेकंड जिससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेन मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो टेन मिलियन टाइम्स बढ़ाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट स्टेटमेंट वन एटी एट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग करेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर ए अनाबोलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम्स एनर्जी बिल्कुल सही बात है अनाबोलिक पाथवे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रकृति में अपने आप नहीं होती क्योंकि इनमें जो सबस्ट्रेट है वो स्टेबल होते हैं और जो प्रोडक्ट होते, है, होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इसलिए उनको एनर्जी देनी पड़ती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यानी ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है फिर वो बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस इज अ स्टेप मेटाबॉलिक इवेंट बिल्कुल सही बात है एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है लिविंग स्टेट इज अ स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये गलत है स्टेडी स्टेट तो जरूर होता है पर इक्विलिब्रियम नहीं होता अनइक्विलिब्रियम होता है इधर भी देख लीजिए जीव अवस्था साम्य स्थिर अवस्था होती है साम्यता नहीं आता ठीक है ना साम्यता यानी इक्वलिब्रियम नहीं होता इट्स अ स्टेट ऑफ अनइक्विलिब्रियम इट्स अ स्टेट ऑफ अनइक्विलिब्रियम अट अ स्टेडी स्टेट ऑफ अनइक्विलिब्रियम है ठीक है तो ये सेंटेंस आपका गलत हुआ यानी सी हमारा आंसर होगा ठीक है डी देख लीजिए लिविंग स्टेट इज पॉसिबल इवन विदाउट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं मेटाबॉलिज्म तो आधार होता है जीवन का तो ये भी सेंटेंस गलत हुआ और हमें इनकरेक्टली तो ढूंढने थे तो आंसर हो रहे हैं सी एन डी ठीक है चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं वन की तरफ वन नाइनटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम छोटे बच्चों को भी पता होता है ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी एलिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी

एन्जाइम लास्ट टॉपिक है बायोमोलिकल का उसका वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है को फैक्टर कोफैक्टर्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप पर ऑक्सीडेज और कैटेलेज एनजाइम दोनों का ही होता है ये एन ने साफ साफ लिखा है तो वन नाइन्टी वन भी डायरेक्ट फैक्ट बेस क्वेश्चन है नो कॉन्सेप्ट वन नाइन्टी वन का टू नेक्स्ट है वन नाइन्टी टू क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी टू रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर करेक्ट बताना है स्टेटमेंट नंबर वन कह रहा है कि को एनजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिल्कुल सही बात है और उनका एसोसिएशन विद द एपो एनजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट एब्सोल्युटली ट्रू को एनजाइम वाइटामिन होते हैं और वाइटामस टेम्प्रेरी स्टेज के लिए ही जुड़ते हैं और ये एनसीआर की ही लाइन है तो ये बिल्कुल सही है स्टेट नंबर स्टेटमेंट नंबर टू देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एपो एनजाइम एब्सोल्युटली करेक्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप भी टाइटली बाउंड ही होते हैं टू द एपो एनजाइम तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं तो हमारे पास आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन से सही हैं तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 193 क्वेश्चन नंबर 193 आइडेंटिफाई द फिगर फिगर पहचानिए सेकंड फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन सेकंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये है डीऑक्सीराइबोस Goes, पे नहीं होता है, the carbon, और 195 194 कुछ सेल्स अवेलेबल होते हैं एर टिश्यू में और वो एक्ट करते हैं बेसोफिल की तरह और अपने सारे सिक्रेशन निकालते हैं सिवाय किसके ठीक है ना तो बेसोफिल की तरह होते हैं मास सेल तो मास सेल के लिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है मास सेल बेसोफिल की तरह और निकालता है तो हिपेरिन सेटमिन तो निकालता है उसने पूछा क्या नहीं निकालता तो एंटीबॉडी नहीं निकालता क्योंकि एंटीबॉडी बनाते हैं प्लाज्मा सेल ठीक है बेटा तो आंसर हो गया आपका फोर 194 के बाद है क्वेश्चन नंबर 195 चूज द करेक्टली मैचड पेयर करेक्शन करेक्ट मैच पेयर बताना है आपको तो करेक्ट में इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन इनर लाइनिंग ऑफ क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है तो आंसर है नहीं वो कॉलमनर होती है देन इनर लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट सीलिएटेड एपिथेलिया बिल्कुल सही है ठीक है ओविडक्ट में सीलिएटेड एपिथेलिया होता है यही करेक्ट मैच है थर्ड ऑप्शन देख लीजिए मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी को सिंपल एपिथेलिया दे रखा है जबकि वो कंपाउंड यानी स्ट्राटिफाइड होती है और एल्वुलर वॉल को कॉलिम्नर दे रखा है जबकि वो स्क्वैमस होती है तो होप यू गेट द आंसर प्रिटी इजी ठीक है नेक्स्ट है 196 क्वेश्चन नंबर 196 व्हेन अ टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न अगर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न आ गया है बेटा तो ये डेफिनेशन organ की होती है और ये प्योरली एनसीईआरटी की पेज नंबर 100 पे ही डेफिनेशन है ऑर्गन की वहां ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों की डेफिनेशन दे रखी है टिश्यू टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है तो ऑर्गन सिस्टम तो हो ही नहीं सकता और जब टिश्यू मिल रहे हैं तो सेल तो बन ही नहीं सकते तो तो एलिमिनेशन भी भी करते तो भी आपको मिल जाता आंसर दैट इज फोर ठीक है नेक्स्ट है वन नाइनटी वन नाइन्टी सेवन में बोल रहा है कि ट्रू कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि कौन सा मस्कुलर टिश्यू है तो ये स्मूथ मसल है आपकी ठीक है अब इन स्मूथ मसल के अंदर आपको इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं ठीक है नाउ आपसे पूछा गया है ट्रू के स्टेटमेंट तो स्ट्रिप्ट मसल है क्या ये नहीं ये स्ट्रिप्ट नहीं है ये अनस्ट्रिप्ट मसल है ठीक है अनस्ट्रिप्ट मसल यानी अनस्ट्राइटेड मसल है तो ऑप्शन नंबर वन गलत हो गया हैज़ कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं अभी अपने क्वेश्चन क्या था ये न्यूरल के लिए होता है देन डू नॉट शो स्ट्राइटेशन येस इट डू नॉट शो स्ट्राइटेशन ये बात सही है दे आर इनवॉलेंट्री ट्रू स्मूथ मसल इन्वॉलेंट्री है और उनमें कोई स्ट्राइटेशन पाए नहीं जाते फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए वो बोल रहा है कि हार्ट और लेग में होगी जो कि बिल्कुल गलत है ऊपर से लगा रखा है ओनली ठीक है तो फोर्थ भी बिल्कुल गलत है तो 198 पे चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 198 नाइनटी एट सेलेक्ट ऑप्शन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताने हैं ब्लड इज अ फाइबरस टिश्यू जी नहीं फाइबर तो होते ही नहीं तो ये गलत हो गया देन कम्युनिकेशन जंक्शन मसल ये बात सही है अभी ऊपर मसल नहीं होती स्मूथ होती है ठीक है तो ये गलत हो गया एंड इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ये बात सही है आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट है हमारे पास ए ए इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है ठीक है ए एन डी आर तो आंसर हुआ ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं Moving to the second last question, question 199 फिर से कॉलम है इस बार मैच बहुत आए हैं तो अडेयरिंग जंक्शन किससे मैच करेगा और अडेयरिंग जंक्शन सेल्स नेबरिंग सेल को एक साथ रखता है तभी तो नाम पड़ा है daring. तो फर्स्ट का आंसर होगा सी तो यहाँ पर दो ऑप्शन है सी वाले सेकेंड ऑप्शन देखिए गैप जंक्शन गैप जंक्शन का काम होता है रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन तो सेकेंड का आंसर होता है बी तो आपको आंसर मिल गया है दैट इज फर्स्ट फिर भी देख लीजिए टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन लीकेज रोकते हैं तो थर्ड का आंसर हुआ ए ठीक है 199 बहुत ही इजी ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 200 हंड्रेड विच टाइप ऑफ एपिथिलियम कंसिस्ट टू और मोर लेयर कंपाउंड थीलिया की बात हो रही है और बता भी रखा है कि वो प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है तो जहां सिंपल लगे हैं वो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि टू और मोर सेल लेयर है तो आंसर हो गया थर्ड तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इजी पेपर उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और प्योरली एन टी बेस्ड क्वेश्चन है तो ए आई से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अच्छे से एन टी पेपर करिए आशा करती हूँ इसी तरह आपका आगे भी पेपर अच्छा जाएगा See you next time. Thank you.